दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 25 अगस्त से शुरू हुए कार्यक्रम के क्रम में बुधवार को व्याख्यान का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राणी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डी के सिंह ने सृष्टि सृजन एवं योग का विज्ञान विषय पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए वैदिक और मॉडर्न साइंस के डिफरेंस को बताया। व्याख्यान कार्यक्रम के दौरान दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, महाविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परीक्षित सिंह सहित व्याख्यान सुनने बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर परीक्षित सिंह ने कहा, देखिए वेद जो आपका आधुनिक विज्ञान कहता है कि फोर्सेस और मैटर पार्टिकल्स के मिलने से चीजें बनती हैं। तो फोर्सेस में चार फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिनको फोटॉन, डब्ल्यूजे बोसॉन, गुआन, ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। और पार्टिकल्स में जो अभी मैंने बताया कि एटम्स के छोटे पार्टिकल्स जो है क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, बैरियन, हाइड्रॉन, बैरियन से विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, कोई चीज दृश्य रूप में आएगी। और वेद कहता है कि प्रकृति और पुरुष के कॉम्बिनेशन से कोई चीज एक्जिस्टेंस में जो हमको पृथ्वी पर प्रकृति में दिख रहा हुआ, इसके लिए कपिल एक बहुत ही पुराने मुनि थे, उन्होंने इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना इसी कंसेप्ट पर की थी वेद में कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही जो है रचना सृजन में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पैरेलल है, हाई एनर्जी देते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, क्वार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्स फील्ड बोसॉन होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, तब वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं फोर्सेस से। एक इसमें हिग्स फील्ड है, ये हिग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे अंतरिक्ष में समान होता है ये फोर्स। अन्य जितने फोर्सेस हैं ये प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकते हैं, लेकिन हिग्स फील्ड पूरे अंतरिक्ष में बराबर। तो किसी चीज में अगर मास द्रव्यमान कब आएगा, जब वो हिग्स फील्ड में जाएगा, बिना हिग्स फील्ड में जाए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आएगा। और जब वो द्रव्यमान प्राप्त कर लेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएगा तब उसका वेट आएगा। अब यहां देखा पार्टिकल कर दिया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड वाली एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से क्वार्क्स निकलेगा, एक बोसॉन निकलेगा, इस प्रकार ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये इंटरचेंजेबल भी है, फिट्स में एनर्जी जो है ये अंतरिक्ष में ये एक दूसरे फिट से दूसरे फंड में चेंज भी होती रहती है, इतना आसान नहीं जितना मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियस एटम मॉलिक्यूल बनना, इसके आगे आधुनिक विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है कि क्वार्क्स, बेरियंस, इलेक्ट्रॉन्स के प्योर वेल में नहीं ये कैसे बनता है, यहाँ तक क्वार्क्स कैसे बनता है, क्वार्क्स कैसे बनता है, जो आधुनिक विज्ञान कहता है कि क्वार्क्स भी, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, फेरियंस भी आदि और अनंत है, लेकिन वेद कहता है कि क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, फेरियंस आदि और अनंत नहीं है, ये रश्मियों से बने होते हैं। और प्रकृति में जो प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति होती है वही आदि और अनंत है, ब्रह्मांड भी आदि और अनंत नहीं है। तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में बताया कि ओम के नाम से ओम रश्मियां निकली और ओम रश्मियों ने मूल प्रकृति में जो प्रारंभिक अवस्था है उस प्रकृति के रूप में चारों ओर प्रकृति में और फैले रहते हैं, सारे क्वार्ट्स फैले रहते हैं, उसमें हलचल पैदा करते हैं और उन हलचल पैदा करने से ऋचाएं बनी, मंत्र बने और उन मनस्तों से महत्व, मनस्तत्व और विभिन्न प्रकार की रश्मियां बनी, सुषुप्राण रश्मियां, मरुद रश्मियां, छद्म रश्मियां और फिर यह रश्मियां मिल करके क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, फेरियंस बनाए और तब एटम्स। तो इसके आगे का यहाँ तक साइंस पहुंचा है और ये वाली स्टेज साइंस आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा। तो कौन एडवांस हुआ,
आत्मिक अवस्था है जड़ पदार्थ की, न तो उसमें जितने भी क्वार्ट्स है, जितने भी चीजें हैं, ना उसमें कोई आवेश है, ना कोई उसका तापमान है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है और इस पर अब कंट्राडिक्शन बहुत जोरों से चल रहा है। एक वैदिक साइंस है, क्वांटम फिजिक्स के आदमी है स्वामी अग्निवेश, उन्होंने इस थ्योरी को स्टीफन हॉपसन से जो थे जो कि फ्री टाइम थ्योरी के लोग समर्थक हैं उनसे डिस्कस किया। तो प्रकृति में तमस रजस और रजो और सत्व तीन गुण होते हैं, जिसको अभी मैं आगे क्लियर करूंगा थोड़ा मैं। और काल तत्व क्या है, जब ओम का नाद होता है और प्रकृति से ओम रश्मियां टकराती हैं तो काल तत्व प्रेरित होता है और उन्हीं काल रश्मियों से प्रकृति में आप मंत्र सुने होंगे, आप कभी पूजा पाठ में अगर बैठते हैं, भू भुआ स्वाहा मना जना तपा सत्यम, ये क्या है, ये रश्मियां है, पार्टिकल ऑफ एनर्जी है जो कि सिस्ट की रचना में काफी काम करती है। एयर अनाज तत्व वायु तत्व पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व और बैलेंस ठीक रहेगा तो आपको कोई रोग नहीं। मॉडर्न साइंस है दोनों की दो बीज हैं जिनको आपने जमीन में रोपे, मान लीजिए लेमन का वृक्ष मिला और वैदिक साइंस से आपको नींबू का वृक्ष, दोनों सिमिलर है। क्यों, लैंग्वेज दोनों की सिमिलर है, केमिकल कंपोनेंट एक ही, ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं सिर्फ सृजन को समझाने, एक जो है मॉडर्न साइंस है जो गणित के आधार पर डिफाइन किया है फिजिक्स को, और दूसरा है भाव तत्व है जो प्रकृति की में जो उपस्थित है उसकी स्टडी करके बताया गया। वेद जो है प्राकृतिक नेचुरल लॉज को डिफाइन करता है और जो मॉडर्न साइंस है इसको गणितीय गणनाओं के आधार पर डिफाइन करती है फिजिक्स की। तो अब यहां बताइए कि जब वेद किसके बारे में बताता है, नेचुरल लॉज के बारे में, तो रचना यूनिफाइड फील्ड मॉडर्न थ्योरी कहती है कि पांच स्पिन टाइप्स होते हैं, इन्हीं से पूरा सिस्टम सृजन हुआ है, ग्रेविटॉन ग्रेविटेनो फोर्सेस मैटर फिक्स, और ये तीन सुपर फील्ड से बनते हैं, ग्रेविटी सुपर फील्ड, गॉस सुपर फील्ड और मैटर सुपर फील्ड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फाइव स्पिन टाइप से बनते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न थ्योरी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती है सिस्टम सृजन। और वेद क्या कहता है, वेद कहता है कि पांच महाभूतों से आकाश वायु तेजस जल पृथ्वी, ये तीन प्रकृति दोषों वात पित्त कफ से मिलकर बने। तो दोनों में पांच से तीन, तीन से पांच का ट्रेडिशन है। तो ये आखिरी आधार आप पीछे वाला पाइए, यहां भी पांच से तीन, तीन से पांच, ये मॉडर्न साइंस कहता है, यहां भी पांच से तीन, तीन से पांच, दोनों है, दोनों का ट्रेडिशन सेम है कि नहीं, सेम है। फिर बात करते रहिए तो मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी सब बात से सहमत हो, अगर आप किसी बात से असहमत होंगे तो मैं उसको खोजूंगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं उसका आंसर यहीं पर दे दूं, ये भी हो सकता है। तो असहमति भी बहुत अच्छी चीज है, वो नई चीजों को जनरेट करती है साइंस। ज्योतिर्विज्ञान का क्षेत्र है वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति और ये पांचों महाभूत हैं, ये बिल्कुल पैरेलल है और क्वांटम के लेवल पर इनका पैरेललिज्म अब प्रूव हो चुका है। तो वह साइंस अधिक डेवलप है जो 10,000 पहले बताई गई थी, कि वह साइंस अधिक डेवलप है जो 50 वर्ष पहले बताई, उसका इतिहास ही पूरा 50 वर्ष का है, इससे ज्यादा। मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिंह है, मैं वनस्पति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और इस कार्यक्रम का संचालन मैं ही कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डीके सिंह जी आए हैं और हमारे बीएससी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बायो के बच्चों को जीवन की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति और योगा, उनका जो लेक्चर है मुख्य रूप से साइंस और वेद
दोनों को कनेक्ट करके जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस क्या कहता है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण क्या हुआ, साइंस क्या कहता है, और हमारा वेद क्या कहता है, उसको तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टि से वो हमारे बच्चों को, हमारे और जो हमारे शिक्षक हैं उनको बता रहे हैं। और अभी तक का जो वार्तालाप उनका सुना गया उसमें पाया गया कि निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेद तो एक्सप्लेन कर लेता है लेकिन साइंस एक लिमिट के बाद उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यह सारा कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती आयोजन में 25 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डीके सिंह जी ही हैं, उनका लेक्चर चल रहा है। मुझको पूरा विश्वास है कि महाविद्यालय के हमारे जीव विज्ञान संवर्ग के जो बच्चे, हम उस संवर्ग के जो शिक्षक, महाविद्यालय के अन्य विभागों के जो शिक्षक और कर्मचारी उनका लेक्चर सुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर इनसे लाभान्वित होंगे और उनके ज्ञान को, चीज़ों के समझने की उनकी दृष्टि में एक नया आयाम विकसित होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।